नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पाइन की टीबी के बारे में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइन। इसे हम एक और लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड्स में पॉट स्पाइन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन स्पाइन में होती कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं और आगे चल के इसकी इलाज कैसे होती है, इन तीन मेजर टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, स्पाइन की इन्फेक्शन यूजली सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है एंड मोस्ट कॉमनली ये लंग से ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है। बहुत रेयरली ये स्पाइन में प्राइमरी इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब दोस्तों, इसमें सिम्टम्स यूजली आते हैं पेशेंट को। सबसे पहले बैक में पेन होती है, जहाँ की भी जिस भी स्पाइनल कॉलम की ट्यूबरकुलोसिस होती है, इन्फेक्शन होती है, उस जगह की दर्द एंड स्टिफनेस होनी शुरू होती है। और इसमें एक टिपिकल बहुत कॉमन फीचर आती है, नाइट क्राइज। नाइट क्राइज का मतलब होता है दिन भर आपको पेन नहीं होगी, लेकिन आप जब रात को सोने जाते हो तो सोने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे 5 बजे बैक पेन की वजह से उठना पड़ेगा। अगर ऐसी फीचर आती है, दिस इज वेरी मच क्लासिकल सिम्टम ऑफ पॉट स्पाइन इन्फेक्शन इन द स्पाइन, कि आपको रात को जब आप आराम कर रहे होते हो तब वहां पे मांसपेशियां जब रिलैक्स रहती हैं, हल्की माइक्रो मूवमेंट्स की वजह से वहां पे दर्द होती है। तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन इन द स्पाइन। तो दूसरा दोस्तों, नाइट क्राइज। फिर तीसरा, थोड़ी आपको इवनिंग के ड्यूरेशन में आपको थोड़ी फीवरिश महसूस होगी, हल्का सा फीवर सा लगेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं आती इसमें, हल्का टेम्परेचर आता है। आपको ऐसा लगेगा अब आज का थकान इतना हो गया कि अब आप आगे और काम नहीं कर पाओगे। तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर विथ लेथार्जी फीलिंग इन द इवनिंग, इसके थर्ड कॉमन सिम्टम। फिर चौथा आता है दोस्तों, आपका वजन कम होना शुरू होगा। वेट लॉस बेसिकली इन ड्यूरेशन ऑफ वीक्स होती है एंड इसे हम 10% ऑफ द वेट लॉस इज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। मान लेते हैं आपका वजन 70 किलो है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलो अगर आपका वजन गिरा है पिछले 4-5 हफ्तों में, दिस इज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, तो लॉस ऑफ वेट। इसके बाद आता है दोस्तों लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको खाने पीने की रुचि कम हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा खाना देख के कि उसको खाने का मन ही नहीं है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज अनदर फीचर जो कि टीबी स्पाइन में हो सकती है। फिर दोस्तों, जैसे जैसे ये बीमारी एडवांस होते जाती है, इसके साथ और अलग अलग चीजें उभर के आते रहती हैं। जैसे मान लेते हैं पॉट स्पाइन में पस बनी, पस आपके नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रही है, तो इसके साथ हाथों में या पैरों में, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइन, हाथों में या पैरों में दर्द आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ हाथ या पैर में थोड़ी टिंगलिंग नंबनेस वाली सेंसेशन आनी शुरू हो जाएगी, जो कि टिपिकल फीचर होती है कि नस दब रही है पस की वजह से, या फिर बोन कोलैप्स होने के बाद वहां पे बोनी फ्रैगमेंट की वजह से। फिर आता है दोस्तों डिफॉर्मिटी। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ट्यूबरकुलोसिस में जब बोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये एक तरफ से दबनी शुरू हो जाती है, पीछे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है शरीर, स्पाइनल कॉलम पूरा वेट ले नहीं पाती, तो इसमें डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है होनी, यानी कि मोस्ट कॉमनली इसमें काइफोटिक डिफॉर्मिटी होती है, यानी कि स्पाइन जो एकदम ऐसे सीधी होनी चाहिए, ये आगे की तरफ बेंड होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक और आगे चल के लॉन्ग स्टैंडिंग सीक्वेले रहती है दोस्तों। अब दोस्तों, अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और हम इसे इलाज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसमें कुछ सेट्स ऑफ टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। पहले सबसे प्रॉपरली थोरो एग्जामिन करते हैं, हाथों में पैरों में आपकी वीकनेस तो नहीं है, स्पाइन एग्जामिन करते हैं और दूसरे सिस्टम्स एग्जामिन करके देखते हैं, चेस्ट एब्डोमेन की कहीं और कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम। फिर दोस्तों, हम इसमें कुछ टेस्ट करते हैं, खास करके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ चेस्ट एक्सरे, स्पाइन की एक्सरे जहाँ की इन्वॉल्वमेंट है, अदर स्पाइनल कॉलम की भी एक्सरे करके देखते हैं। हम इस पे MRI भी कराते हैं और अगर हमें चेस्ट में थोड़ी भी डाउट होती है टीबी की, तो हम इसमें फिजिशियन कंसल्टेशन भी लेते हैं टू रूल आउट चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि प्राइमरी भी इसमें पता होना जरूरी है। फिर इसके बाद दोस्तों, अगर मान लेते हैं हमने MRI कराया, MRI में आपकी टीबी आई स्पाइन में विद पस कलेक्शन अराउंड दी वर्टिब्रल बॉडी एंड इसमें मान लेते हैं हल्की फुल्की नर्व के ऊपर कंप्रेशन भी है, आपके हाथों में पैरों में दर्द जा रही है, झंझराहट और सुन हो रही है, लेकिन ज्यादा कोलैप्स नहीं है, ऐसे कंडीशन में दोस्तों गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज के तरफ से बहुत अच्छी स्पाइन टीबी की एंड टीबी की इनसेप्ट बहुत अच्छी डिक्टम के साथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं
एंड इस ट्रीटमेंट गाइडलाइन में मेनली मेडिकेशन चलती है एंड मेडिसिन से ये कम्प्लीटली रिकवर होने के चांसेस रहते हैं एंड इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो बोन अभी तक डिस्ट्रॉय होके दबी नहीं है वो और ना दबे, आगे चल के भी ना दबे, तो हमें इसमें स्ट्रिक्ट कुछ महीने का बेड रेस्ट चाहिए होता है। हमें एक डोर्सल लंबर सपोर्ट के लिए एक लंबी सी बेल्ट लगानी होती है पीठ में ताकि उस आगे वाले स्पाइन वाले हिस्से में दबाव पड़े ही ना, और आगे चल के सिर्फ मेडिकेशन चलते चलते थोड़ी प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते लेते चीजें रिकवर हो जाए। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन है स्पाइन टीबी में, हाथों में या पैरों में कहीं भी आपकी कमजोरी थी, हम इसे असेस करते हैं। अगर महीने भर के अंदर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं आती हाथ या पैर के वीकनेस में तो इसमें, और या फिर ये वीकनेस और बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो नस दब रही है उसे डिकम्प्रेस करना चाहिए, यानी कि अंदर सर्जरी से पस निकालनी चाहिए, नस को रिलीज करना चाहिए एंड एसोसिएटेड कंप्रेशन जो बोन की हो गई है उसे रिलीज करना चाहिए। इस पे हम लोग अंदर जाके पस रिलीज करते हैं, नस को फ्री करते हैं, इससे हाथ और पैर में दोबारा से ताकत आनी शुरू हो जाती है, नर्व भी फ्री हो जाते हैं एंड ऊपर और नीचे के हड्डी जो बेसिकली इंटैक्ट है, एक डिस्ट्रॉयड वर्टिब्रा है एंड ऊपर नीचे की बोन इंटैक्ट है, तो ऊपर से और नीचे से हम इस बोन को स्टेबलाइज भी कर देते हैं कुछ स्क्रू एंड रॉड से। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों रिकवरी के चांसेस और अच्छे होते हैं क्योंकि एक स्टेबल स्पाइन की रिकवरी टीबी मेडिसिन के साथ ज्यादा अच्छी होती है। तो स्टेबल स्पाइन के साथ आपकी टीबी की मेडिसिन चलते रहेगी तो इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं एंड आगे चल के पोस्ट रिकवरी सीक्वेले भी अच्छे रहते हैं, कोई इसमें डिफॉर्मिटी नहीं रहती। दोस्तों अगर इसमें हमने टीबी की मेडिसिन दी आपको, आपके हाथ या पैर में सुन्नाहट थी, झंझनाहट थी, सुन थी, कमजोरी थी, अगर हमें लगता है कि महीने डेढ़ महीने में वो रिकवरी अच्छी हो रही है, आपके हाथ पैर में ताकत वापस आ रही है, इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लंबर सपोर्ट या फिर डोर्सल सपोर्ट अगर पीठ की टीबी है तो वो बेल्ट लगा के आपको कुछ महीने रखना पड़ता है ताकि डिफॉर्मिटी ना हो जाए, वो बोन जो सॉफ्ट हो गई है पस की वजह से वो कोलैप्स ना हो जाए एंड इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीबी की दवाई चलते चलते कंप्लीट रिकवरी हो जाए एंड आगे चल के इसमें कोई पोस्ट रिकवरी सीक्वेले बचे ही ना आपके पास, तो एकदम 100% रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीजों में। तो दोस्तों पॉट स्पाइन में बहुत चांसेस है कि इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, यूजली सिर्फ टीबी की दवाइयां, कुछ महीनों का बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट विथ फॉलोड बाय लंबर या फिर डोर्सल स्पाइन का सपोर्ट एंड बेल्ट लगा के आपकी कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। सिर्फ कुछ केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें कि अगर नर्व की रिकवरी महीने डेढ़ महीने के बाद भी दवाई देने से नहीं हो रही है या फिर आपके बोन बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए हैं और डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा हो गई है बैक में, इतनी कि वो आपकी बॉडी वेट सस्टेन ही नहीं कर पा रही, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करके स्पाइन को स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ती है, नर्व को डिकम्प्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।